व्यूअर्स, कैसे आप उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप देख रहे हैं ट्रिप प्लस वाली वीडियो सनासनारा। तो सनासनारा आई आज एक नई वीडियो के साथ। वेलकम टू अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू माय हाउस टूर। तो आज मैं अपने पूरे घर का आपको टूर करवाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जरूर वीडियो पसंद आएगी। आपने जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि मेरा हाउस कैसा है, मतलब इसमें क्या एडिशन करना चाहिए, कैसी है, कुछ भी जो भी आपको अच्छे लगे आपने जरूर कमेंट करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेट्स बिगिन स्टार्ट इट। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये मेन गेट है, तो ये ऊपर वेंटिलेट वगैरह टाइप, नीचे ये कारपेट। इसके बाद बिगिन, ये देखिए यहाँ से एक फर्स्ट दीवार शुरू होती है। ये हमने मतलब सारा मतलब मोटर का सिस्टम है, पानी वगैरह नहीं डालना पड़ता। ऑलरेडी हमारा मतलब बहुत अच्छा पानी, साफ सुथरा प्योर वाटर मिलता है। तो भाई हमने एक टूटी वगैरह भी लगवाई हुई है टैप, तो जो भी मतलब ज़रूरतमंद होते हैं, जो भी पानी भरना चाहिए वो भर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें भी और हमें भी। तो ये देखिए ये पूरी दीवार है फर्स्ट साइड, ये जो हमने डेकोरेट किया। इसके बाद ये ऊपर ये देखिए ये हैंडमेड बटरफ्लाइज लगाई हुई हैं। सीलिंग वगैरह वैसी है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ ड्राइंग रूम में हुई है, इसी तरह ही जैसे रूम में हुई है इसी तरह सारी सेम सीलिंग हुई है। फ्लावर्स वगैरह भी, हर चीज़ पेंट कलर वगैरह भी, हर चीज़ उसी तरह हुई है। इसके बाद भी मैं आपको साइड में दिखाती हूँ सेकेंड दीवार, ये भी सेम उसी तरह ही है। तो लेकिन ये वाशरूम के साथ अटैच है, यहाँ पर हमारा वाशरूम का है सारा। तो प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे छोटा सा हमने स्टोर रखा हुआ है, जो भी रफ चीज़ें हैं, जो भी चीज़ हमने सेव रखनी हो यहाँ पे रख देते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई टाइम नहीं आया, ऐसी कोई चीज़ रफ नहीं है कि जो हम मतलब रखें और हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो व्यूअर्स ये देखिए वाशरूम, ये वाशरूम का डोर है, मैं आपको दिखाती हूँ। जिस तरह हाउस एक इम्पोर्टेंट है, इसी तरह वाशरूम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो भी दिखाना ज़रूरी है। तो प्यारे व्यूअर्स, जैसे वाशरूम का मतलब जिस तरह वाशरूम की सारी डेकोरेशन वगैरह टाइल्स वगैरह लगी है, इसी तरह ये भी इसी तरह ही है, कलर पिस्ता लाइट। और ये देखिए इसके हिसाब से मुझे ज़्यादा अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे जो भी काम हुआ है ऐसे पिकअप बना हुआ है मोर टाइप। ये सारी मजबूर की चीज़ें जो सुबह अक्सर मॉर्निंग टाइम में फ्रेशनेस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाई थी ये वाली शेप, ये जो विंडो है ये ड्राइंग रूम के साथ अटैच है, डबल दिखता है। मतलब ऐसे जैसे यहाँ पे आईना आपको यहाँ पे छोटा दिखा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा काम का है। इसके बाद देखिए ये वेलकम लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे एड्रेस आपको वेलकम, ये भी हैंडमेड है। काफ़ी ज़्यादा हैंडमेड चीज़ें हम यूज़ करते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि कैसे हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं, किस तरह घर में आप क्या चीज़ ऐसी लगा सकते हैं। जैसे ये वेलकम लगा हुआ है इस तरह आप एड्रेस पे, तो ये मेरी जो घर के एड्रेस है वो मैंने आपको दिखा दिए। तो आप नेक्स्ट दिखाते हैं। तो भैया ये इसके बाद आता है ड्राइंग रूम, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया हुआ है अच्छे से। ये देखिए सबसे पहले ये फ्लावर लगाया हुआ है, ये भी मतलब ड्राइंग रूम की एंट्रेंस पे एक, ये देखिए यहाँ पे ऐसा कि मतलब कोई भी घर में आए या शामिल हो, ये देखिए कुछ रिक लगा हुआ है, कोई भी नज़र वगैरह मतलब बचाव के लिए ये ज़रूरी होता है। तो क्लाम वगैरह आपको जरूर लगाना चाहिए, कोई भी अच्छी चीज़ पड़ी मतलब अच्छी होनी चाहिए, वो लगी होनी चाहिए। तो ये देखें इसके बाद ये फ्लावर यहाँ पड़ा हुआ है। इसके बाद मैं ये पूरे पूरे एक सिस्टम है, ये जो एड्रेस है ये फुल है। ये देखें यहाँ पे भी सेम मैंने जैसे सनी ग्रे आपको बताया था लास्ट टाइम फ्लोर, उसी तरह ही है, ये सारा एक ही जैसा काम हुआ है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो मेरे एड्रेस है हाउस की वो पसंद आई होगी। तो आपने जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो ड्राइंग रूम मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया हुआ है, तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। लेकिन अदरवाइज़ फिर भी मैं कल एक दफ़ा दोबारा दिखाऊँगी, क्योंकि मेरी बहन की बर्थडे है तो हम थोड़ी सेलिब्रेशन वगैरह करेंगे। तो जो ड्राइंग रूम है और ज़्यादा डेकोरेट वगैरह होगा, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें एडिशन होना है, तो इसलिए मैं आपके साथ वो अलग से एक वीडियो शेयर करूँगी ज़रूर। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट के नेक्स्ट क्या। तो यहाँ पे सबसे पहले व्यूअर्स ये देखें इसी साइड पे जो मैंने फर्स्ट दीवार आपको दिखाई है वही, यहाँ पे हम डस्टबिन रखी हुई है, मतलब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह वो इसमें ज़रूर डालते हैं। देन ये देखें
ये एक स्टैंड टाइप बना हुआ है, जूता स्टैंड भी और बैग स्टैंड भी ऊपर काफ़ी ज़्यादा, तो बैग रखे हुए मेल सिबिन वगैरह रखे। उसके बाद ये देखें ये सारा सिलसिला है, सारा ये मेन है हमारा, मीटर वगैरह सारा सिलसिला लगा हुआ है पूरा, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह का सारा ये कवर करता है हर चीज़। जिसके बाद इसके अंदर थोड़ा डेंजरस है, यूपीएस लगा हुआ है तो बैटरी वगैरह हमने मतलब सेव रखने के लिए इनको बंद रखा हुआ है। तो ये देखें ये रिंग लगी हुई है व्यूअर्स, तो अक्सर आपने वीडियो में सुनी होगी ज़रूर, अक्सर मैं वीडियो बना रही होती तो इसने ज़रूर ही बजना होता है। इसके बाद मैंने यूपीएस का बता दिया आपको कि यहाँ पे हमने काफ़ी सेफ्टी वगैरह रखी हुई है। ये सारी दूसरी एंट्रेंस है, इसी के साथ दूसरी दीवार शुरू होती है। तो लेकिन ये जो ऊपर जाने वाला पोर्शन है ये मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी, ये सेकंड पोर्शन है। तो अपने घर का जो दूसरा हिस्सा है, दूसरी मंजिल है जो भी, वो आपको जरूर दिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा। दूसरे के लिए आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं दिखाऊंगी ज़रूर, ऑलरेडी मैं दिखाती हूँ। तो चलें नेक्स्ट। इसके बाद व्यूअर्स इन सीढ़ियों के साथ और मतलब जो दूसरी स्टोरी शुरू होने से पहले यहाँ पे हमारा किचन, ये किचन की एंट्रेंस है, छोटा सा प्यारा सा किचन है जहाँ पे अक्सर हम जो काम करते हैं या रेसिपी वगैरह बनाते हैं देखते होंगे ज़रूर। ये काफ़ी सारा चीज़ें हमने एडिट की हुई हैं, ये देखिए हर एक ज़रूरत की चीज़ रखी हुई है। उसके बाद ये होल्ड वगैरह लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी हो जाती है, छोटा सा ये किचन है तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो उसका कंट्रोल वगैरह करने के लिए फ़ौरन ये जितना भी एक्स्ट्रा मतलब होता है ना सारा ये ले। इसके बाद ये दीवार जो मैंने आपको दिखाई है, ये देखें व्यूअर्स। इसके बाद ये देखें यहाँ पे भी हमने वो लगाया हुआ रिजर्व के इजाफे के लिए, यहाँ पे जो भी ये ज़रूर होने चाहिए आपने घर में लगाने से नज़र वगैरह से बचाव के लिए ज़रूरी होते हैं। तो व्यूअर्स ये किचन था छोटा सा। इसके बाद मैं दिखाती हूँ यहाँ से, यहाँ से सारे ये जो स्विच वगैरह ऑन होते हैं, लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं सारे यहाँ से, ये डेकोरेशन पीस वही सेम पेंट वगैरह वही सेम कलर हर चीज़ उसी तरह ही है। हमने एक जैसा बैकग्राउंड रखा हुआ, ये नहीं कि यहाँ पे ऐसा है वहाँ पे ऐसा है, नहीं सेम हर चीज़ सेम है। तो इसके बाद नेक्स्ट दिखाती हूँ हॉल, टीवी लॉन ये हॉल। तो ये देखें लास्ट में मैंने आपको दिखाया था रूम में कि ये शोपीस वगैरह बने हुए हैं सारे, यहाँ पे हमारी ज़रूरत की इतनी चीज़ें होती हैं फ़ौरन हमें मिल जाती हैं, जब भी हमें मतलब किचन में ज़रूरत पड़ती है तो हम मतलब फ़ौरन यहाँ से लेते हैं और कर लेते हैं मेहमान वगैरह की नमाज वगैरह। पहले व्यूअर्स ये हाल है, तो ये देखें यहाँ पर चेयर्स वगैरह पड़ी हुई हैं। तो ये देखें लास्ट टाइम ये टूट गया व्यूअर्स हमारा एलईडी, इसका बहुत ज़्यादा मौका मान गया। ये देखें ये भी डेकोरेशन वगैरह, ये सिंपल थी बिल्कुल छोटी सी ये टोकरी बनी हुई थी, तो इसे बिल्कुल डेकोरेट करके इतना प्यारा करके ये इस तरह हम जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं इसमें रखते हैं। तो ये चेयर्स वगैरह बनी हुई हैं, ये देखें यहाँ पे हमारा कंप्यूटर वगैरह भी आ गया, क्योंकि इन दिनों गर्मी होती है और थोड़ा सा मतलब कंट्रोल करने के लिए हर चीज़, तो हम सब यहीं पर बैठ के ड्रामा वगैरह देख रहे हैं, कुछ भी वीडियो वगैरह देखनी हुई तो फ़ौरन हम देख लेते हैं। और गेम वगैरह भी जुमान खेल रहा होता है मेरा छोटा भाई, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर सारा जो वॉइस वगैरह का सिलसिला है, वाईफाई वगैरह पीटी सेल का हर एक यहाँ पर ये सारा। इसके बाद देखें व्यूअर्स यहाँ पर भी हमने वही सीनरी लगाई हुई है आयतुल कुर्सी की, यहाँ पर अक्सर हम कुरान वगैरह रखते हैं, यहाँ पर कुछ जो भी हम पढ़ के ना यहाँ पर रख देते हैं, लेकिन अभी ये फ्री है क्योंकि अभी वो मतलब ये देखें ये डेकोरेशन वगैरह ये साइड बनी हुई है। इसी तरह मतलब थोड़ा सा मैनेज किया हुआ है, अभी इसमें एडिशन करना है, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड चेयर है वो ऑलरेडी इसने ली हुई है, वो गेम खेल रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो आप चलते हैं नेक्स्ट, ये वही उसी तरह जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, ये थोड़ा बुक रैक टाइप बना हुआ है, वो तो बर्तनों वाला मतलब जो चीज़ें वगैरह ज़रूरत की हैं कि क्रॉकरी वगैरह चीज़ें होती हैं इसमें, ये थोड़ी बुक रैक है, तो इसमें मेरे अवर्स वगैरह भी पड़े हुए हैं। ये देखें व्यूअर्स जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे, अभी बुक्स की सेटिंग वगैरह करनी बाकी है, बहुत ज़्यादा बुक्स इधर उधर पड़ी हुई हैं, हर जगह जहाँ देखो बुक्स पड़ी हुई हैं। तो इन दिनों अच्छा ज़रूरत पड़ती है, अच्छा यहाँ से यहाँ से यहाँ से पकड़, अब इन जितनी बुक्स को इनको भी सेट करना है अभी काफ़ी ये काम है। ये देखें की रैक बना हुआ है यहाँ पर, की वगैरह हम जितनी भी ये हैंग कार्ड देते हैं ये सारा था। तो प्यारे व्यूअर्स अब मैं अपना सिस्टर रूम दिखाती हूँ आपको, तो चले आए। देखा होगा यहाँ पर मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, बल्कि सेकंड वीडियो यहाँ पर बनाई थी, और ये मेरा काफ़ी फेवरेट रूम है, मतलब यहाँ पर खामोशी होती है बिल्कुल, मतलब छोटा सा रूम है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर सिर्फ बेड ही है, सेटेबल है, और यहाँ पर एक बस
बैग हैंग करने वाली एक मत बनी हुई है, ये देखिए बैग, ये सिस्टर्स का है ना छोटा सा, इसका भी वही सेम काम हुआ है जैसे कि, तो ये देखिए हैंडमेड जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये हैंडमेड बनाया। और ऐसे अक्सर हम वहाँ पे बल्ब के ऊपर करते हैं या कोई भी इस तरह लाइट वगैरह के, तो ये डबल इफेक्ट करता है इतना ज़्यादा है कि कलर कॉम्बिनेशन इसके चेंज हो जाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। अभी इसे यहाँ पे रख देते हैं, तो इसका सेम ही वही काम है व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि उसी तरह फैन लगा हुआ, उसी तरह सीलिंग, उसी तरह लाइट्स वगैरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा लाइट पर्पल कलर का पेंट हुआ है व्यूअर्स, बहुत लाइट कलर। तो आप चलते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ। वो नेक्स्ट रूम तो मैंने आपको दिखाया है, आपने ज़रूर देखा होगा। तो ये देखें यहाँ पे इसका फ्लोर है, ये वाला रूम मैंने आपको दिखाया है जो कि मैं मामा के साथ शेयर करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा, आपने वीडियो देखी हुई है। तो इसी तरह आपने इस पूरे जो रूम सेटअप है, जो नीचे वाला भी साइड है, जो मैंने फर्स्ट स्टोरी आपको दिखाई है, आपने इसको ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बताना है कि वहाँ पर क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये किस तरह का है, आपने सारे कमेंट में ज़रूर बताना। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन पसंद आया होगा, आपने ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो इसी तरह मिलती रहूँगी नई नई वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।